फोर्ड में हर एक बंदा रुपए कमाता है कि ना, ना करते करते भी 40,000 की सर्विस होती है। मैं नु कह रहा हूँ फोन आते हैं अभी फीडबैक के लिए। मैंने एक बार कह दिया मेरी गाड़ी अच्छे से नहीं धुई, अगले दिन घर आ जाएंगे सर गाड़ी दे अपने हम। आज के टाइम में फोर्ड में इतनी चोरी हो रही है। तो भैया स्वागत है आप लोगों का नई वीडियो में। तो आज अपने पास है भाई एंडेवर, यही वाली एंडेवर पहले भी आ चुकी है मेरे चैनल पे, देख लेना भाई ये नंबर से पहचान जाओगे। वो वाली और आज वाली एंडेवर में अंतर देख लेना भाई ने इतनी ज़्यादा लोडिंग करवा दी है ना गाड़ी में। आज सारी चीज़ें कवर करेंगे भाई के साथ। भाई ने पिछली वीडियो में बोला था भाई लोडिंग करवा दूंगा जब देखना गाड़ी को, और भाई ने अभी भी काम काफ़ी बाकी है इसमें, लेकिन मेरे हिसाब से लोडिंग काफ़ी हो गई गाड़ी में पहले के मुकाबले। आज सारी चीज़ें कवर करेंगे, यानी कि बाहर बाहर से काम करवाया, अंदर से भी काम मोटा मोटा तो करवाया अंदर भी। तो आज भाई से पूछेंगे सारे खर्चे वर्चे, और भाई ने ऑलमोस्ट लेने के बाद इसको 30,000 किलोमीटर चला दिया है। सेकेंड हैंड भाई ने खरीदी थी, तो सेकेंड हैंड लेने के बाद क्या कुछ कमी एकदम बाद में साथ के साथ तो आती नहीं है, थोड़ा टाइम चलाने के बाद आती है। सारे टेरेन पर भाई ने टेस्ट कर लिया गाड़ी को, पहाड़ों पर भी चला ली, प्लेन पर भी चला ली, इन अलॉयज़ के साथ भी चला ली, कंपनी के अलॉयज़ के साथ भी चला ली, माइलेज वाइलेज सब चीज़ की पता करेंगे इसमें, और एंडेवर का पता करेंगे भाई सेकंड हैंड लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, क्या किस टाइम बाद पता चलता है कम सर्विस का क्या सीन है क्या नहीं, क्योंकि अब काफ़ी टाइम हो गया फोर्ड को गए हुए। तो इस वीडियो में सारी चीज़ें कवर करेंगे, तो चलो भाई शुरू करते हैं, भाई को बुलाते हैं। हमारे साथ आ चुके हैं भाई गाड़ी के ओनर आयुष भाई, क्या हाल भाई? भाई को पहले भी देख लिया होगा वीडियो में, तो अपनी भाई के एंडेवर है 2.0। भाई कौन सा मॉडल रहने वाला है अपना? ये 2021 मॉडल है भाई का। भाई अपनी आखिरी वीडियो मेरे ख्याल में 5-6 महीने पुरानी थी, और उसके बाद आपने बहुत सारी लोडिंग करवा दी गाड़ी में। भाई कही थी आप तब करवाऊंगा लोडिंग वगैरह, गाड़ी तो काफी उस टाइम भाई बताऊं क्या था, एक तो पहले नई गाड़ी आई थी कुछ दिन ना, आदमी ने सोचा चलावा गाड़ी ना। हाँ जब तो नई नहीं थी बिल्कुल, मुंह थी कि चलावा पहले ढंग से, पहले चला ली खूब, फिर जैसे लगन लगी ना यार गाड़ी नॉर्मल दिख रही है सबकी, ढाल 10 गाड़ी चले स्पोर्ट। पहले मैंने बताऊं ये व्हाइट करवाए अब, हाँ ये जो सिल्वर आते थे पहले ब्लैक थे, इससे पहले है ना सिल्वर आते थे, मैंने पहले ब्लैक करवाए थे, स्पोर्ट एडिशन बनवाई थी। फिर उसके बाद ही 3-4 दिन बाद मेरा मन नहीं कर रहा भाई, उसमें स्पोर्ट दुनिया भर की ढोलते चेंज करवाए, बॉडी कलर में करवा दिया, एलसीडी लुक आते भाई प्रॉपर आगे से ना, बॉडी लुक में बढ़िया लग रहा है भाई। ये तो ये ग्रिल पेंट करवाई थी भाई, स्टिकर एक दिन भाई बैटमैन का क्या सीन बनाया फिर आपने, देख लो बैटमैन को लोग लगा रखा भाई ने, गाड़ी पूरी चेंज करवा लेते ना जैसे इसमें, हाँ गाड़ी प्लेन थी ये भी नहीं था उस टाइम पे, ये बॉडी कलर में पेंट करवा के, स्मोक लाइट भी नहीं थी। अच्छा भाई मिरर वगैरह मतलब जितने भी कॉस्मेटिक चेंज बाहर से करवाए ना कुछ भी नहीं था ये। वैसे आई तो ये बिल्कुल वैसी थी जैसे कंपनी चाहती है गाड़ी, बिल्कुल नहीं बराबर, बिल्कुल नहीं बराबर। अब भाई मेरा क्या जी करा, पहले तो मैंने करवाई इसकी रबिंग पॉलिशिंग, हाँ रबिंग पॉलिशिंग करवा के गाड़ी भाई, चलो कैसी यूज करियो गाड़ी इस पे ना हल्की लग तो स्क्रैच नहीं हो जाती, हाँ वो थी रबिंग पॉलिशिंग करवाई पूरी गाड़ी पे, पेंट करवाया, ये ग्रिल करवाई, साइड मिरर पे ब्लैक पीपीएफ चढ़वा रखी है भाई, बढ़िया लग रही है भाई ब्लैक पीपीएफ के बाद भी, साइड वाले ये पेंट करवाए थे, और अपने फुटस्टेप भी कटवा दिए भाई सारे, फुटस्टेप के बाद ऊंची होगी कुछ, उठवाई भी है गाड़ी अपने कुछ, इस फुटस्टेप हट गए तो इसलिए भी लग रही है ऊंची, अलॉयज अपने लग रहे हैं भाई से 20 इंच के। भाई मैंने पहले लाइट भी लगवाई थी आफ्टर मार्केट वाली जो लाइट आती है ना, फिर वापस कंपनी की लगवा दी। खैर वो भाई ने रील भी डाल रखी है और वायरल भी हुई है वो एंडेवर लवर्स के साथ, ये भी पेंट करवा दिए बैटमैन का लोगो के हुआ है एक दिन, यो ना खाली खाली दिखे अपना बैटमैन ऐसा आवे, हाँ और अपना फोर्ड का भी लोगो ऐसा है, हाँ इसी मिलर से मिलर से दिमाग लगा मैं यार करवाऊं इसे ने, तो पहले मैंने करवाया था ये जो वाइट है ना ब्लैक और बैटमैन येलो, हाँ पहले येलो था ठीक है, वो भी बढ़िया लगा था भाई, सब ने बताया मतलब अधिकतर बंदा ना ना भाई नियोस वगैरह में आती है ना उन्होंने बनवाया था बैटमैन का, कईयों ने बनवा रखा मैंने देखा है मेरे बाद, लेकिन पहला नाम है ना भाई किसी गाड़ी पर देखा ये ना कुछ करा मैं, बस बैटमैन ना बहुत ज्यादा देखूं इस वजह से मैंने बहुत बार देख रखी वो फिल्म, इसे हमारी मैंने छपवाया था बैटमैन, लेकिन लुक एनहांस तो कर रहा है गाड़ी की, गाड़ी थोड़ी अलग अलग नहीं चाहिए अपनी चल रही है ना, तो लग भी रही है करवाया, ये ब्लैक और व्हाइट क्यों करा है पूरी गाड़ी की थीम आप देखोगे तो ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट ही है, ब्लैक व्हाइट ही है। अब ये लाइट कैसे क्या हुई है भाई मेरी गैल, मैंने लाइट मंगवाई और रिफ्लेक्टर भी ये देखो साथ ही मंगवाए थे मेरे, 20,000 रुपए का सेट पड़ा था ये मतलब फिटिंग की साइड में लगा दूंगा गाइस वीडियो, भाई ने देखना वीडियो रील भी डाल रखी है। अब क्या हुआ भाई हम गए थे मनाली घूमने, बर्फ पड़ रही थी उस टाइम में, और उस टाइम पे मैंने ये कंपनी वाला लोई व्हील भी वो करवा रखे थे गोल्ड कलर के, हाँ कंपनी वाले करवा लेता मैं यार सब ब्लैक करवा, कुछ अलग है गोल्डन थीम दे दी भाई ने गाड़ी को, वो भी हटवा दी वो ब्लैक करवा दी, अब दोबारा वो दूसरी गाड़ी में लगवा दी भाई। ये क्या हुआ बर्फ में जैसे चढ़ रहे थे अपने भाई मनाली में, पता है कितनी बर्फ पड़ी थी, हाँ भाई ठंड में गए थे, और भाई एक है ना पिकअप वाला जैसे गाड़ी ऐसे खड़ी थी मेरी, वो स्लिप होके वो लाइट टूट गई मेरी पूरी यहाँ से। अच्छा जी अब क्या है ये लाइट टूट गई ये मिल जाएगी,
ग्लास बन जाएगा, सब कुछ बन जाएगा इसका। मैंने घर तोड़ के इसमें चूर चूर कर दो, ये बन जाएगी, वो नहीं तो मिल जाएगी सिंगल पीस। वो नहीं बनी, वो सारी जगह पता कर ली भाई, ताइवान तक बंदे ने पूछ ली सिंगल पीस के लिए, बता सिंगल नहीं मिलता कहीं भी कोई दुकान वाला। और नहीं कितने की आई थी भाई वो आपकी दोनों पेयर? 17,000 रुपए की आई, 17,000 का पेयर आया था। और कंपनी कितने की अपनी दोनों भाई? ये भी महंगी है, ये तो कंपनी की खैर महंगी है, फोर्ड के पार्ट है भी महंगे। फायदा ये है ना कि अपने को मिल जाती है मायापुरी वगैरह में ना, सारी जगह मिल जा रही है वाली रेट, आगे पीछे की कंपनी का सामान मिल जाएगा, बाकी और जगह तो नहीं मिलेगा भाई। क्या मतलब 20 इंच का क्या सीन बनाया अपने इसमें भाई? 20 इंच का मैं सही बताऊं, मेरी गाड़ी में तो वो अलॉय व्हील था जो कंपनी से आते हैं, वो डलवाने थे 20 इंच के डलवाने थे पहले भाई, क्यों झूठ बोल रहे? ये अलॉय व्हील ना मेरे को पसंद नहीं थे, तो मेरे चाचा ने कहा तू के अलॉय व्हील फ्यूल काउंटर है ना अपने, ये अपने भाई वो है प्लास्टिक के। अच्छा प्लास्टिक है अपने, तो चाचा घर में यार तू क्या अलॉय व्हील डलवाया, तू इन्हें डलवाया क्या देख ले। हां मैंने डलवाया भाई, गाड़ी बढ़िया लग रही, गाड़ी तो बढ़िया लग रही नो डाउट, देख लो भाई गाइस इलेक्ट्रॉनिक। खैर वो तो है, बाकी एवरेज का फर्क भाई, एवरेज का भाई 2 पॉइंट का तो बिल्कुल बिल्कुल फर्क आता है, लोकल में 5 की एवरेज दे रही है, 5.4 लोकल में 5 की एवरेज दे रही है, लो भाई अलग ही चीज है। फिर मैंने एक चीज चेंज कर दी भाई, मैंने नू सोची कि अभी ये बनाना गाड़ी में, इसमें थोड़े दिन और चला के इसके बाद 22 इंच ही डलवाऊंगा थोड़ा लुक चेंज करने के लिए, क्योंकि भाई अभी मेरी गाड़ी का ना आगे से स्टीयरिंग रैक चेंज हुआ है पूरा, यहां से लेके वहां तक की असेंबली चेंज हुई है मेरी स्टीयरिंग रैक की। क्या हो रहा था, गाड़ी जैसे चल रही थी दचकी में झन्नाटा आ रहा था स्टीयरिंग व्हील में, वो दिक्कत आई है अपनी आ रही थी, ठीक है वो किसी डाली मान लो भाई, आगे मेरी गाड़ी तो अंडर वारंटी है, मैंने तो वो करवा दी 10-15 दिन में पार्ट आ गया, 2 दिन में गाड़ी लग के अपने पास आ गई, उसकी कोई बुश वगैरह डलवा दिया, फिर मैंने साथ के साथ ही कट नहीं रहे थे, मैंने कही मैं भाई डाल दे सारा, मैंने आवाज है ना थोड़ी पसंद आया गाना का अलावा ना दूसरी आवाज पसंद ना भाई गाड़ी में कती। अब आ गए अंदर, भाई ने चला दिए 60,000। भाई कितने किलोमीटर पे ली थी आपने भाई? 43-42 इतने पे ली थी भाई, 43-42 पे आपने ली थी, मतलब भाई ने सेकंड हैंड खरीद रखी है गाड़ी अपनी। तो भाई एक बात बताओ मेरे को, पब्लिक आज के टाइम पे एंडेवर लवर बहुत हो रही है, क्या फायदा सेकंड हैंड लेने में, है फायदा नहीं है या गाड़ी देख के लेने? फायदा ना जब है, जब आपको कोई डीलर जानकार हो, हाँ मतलब ऐसा जानकार नहीं बोल चाल खास वाली जानकारी हो, अच्छा या फिर गाड़ी आपके आंखों आगे चली हो, आपके घर परिवार की गाड़ी हो, जब नहीं तो लूट बाजारी पूरी है भाई। मैं ऐसे कह रहा हूँ कि मीटर बैक करवा देते, 3-3, 4-4 लाख चला के 1 लाख किलोमीटर 70,000 किलोमीटर पता भी नहीं चलता गाड़ी का, ऐसे करवा देते कंपनी में जाके रिकॉर्ड लिखता, जब पता चलता रहे ये तो इतनी बार लग रही है, बहुत सी का तो रिकॉर्ड भी नहीं पता चलता भाई। मैंने गाड़ी जब भी लेने चालू करी थी ना, मैं आरसी लेता था कंपनी में, रिकॉर्ड ठीक है ना भाई, खराब है ये गाड़ी में दिक्कत है, ठीक है बदलो, फिर बदलो फिर बदलो, इसकी ये आके मिली थी मेरे को इंस्टेंट एक दिन में। फिर इसमें अभी तक कोई परेशानी वरेशानी फील हुई? वैसे ये भी चला दिया आपने 20-25 हजार चला दिया आपने? परेशानी फील तो कुछ नहीं हुई इसमें जब आई थी ना, उसके बाद ये ना सीट आवाज करने लग गई थी, इसमें एंडेवर में 2-3 आवाज आती है, इसका ना अंदर वो रहा है एक सीट में रैक, अच्छा लोगों का वो ठन 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 ऐसे आवाज करता है। चलो वो तो खैर मेजर इतनी दिक्कत है, वारंटी में चेंज वैसी दिक्कत नहीं थी, वो आती है एंडेवर में, अच्छा सीट इसकी आती है, वो चेंज करवाई थी, एक स्टीयरिंग रैक चेंज करवाया। स्टीयरिंग रैक का क्या हुआ अपना भाई? वो ना मेरा कैसे हुआ कैसे ना हुआ, वो गाड़ी में चला रहा था इन अलॉय व्हील के बाद भी जैसे नॉर्मल चलाई ना मैंने, अब मैं जैसे धचके पे ये इसका सस्पेंशन है ना टाइट है, अगर आप तेज स्पीड में ले जाओ धचके पे तो महसूस ना हुआ है। हाँ। अब मैं लेके जाने लग रहा है इस साइड से झन्नाटे की सी आ रही स्टीयरिंग में, अब वो यार नू अजीब लग रही है, इतनी महंगी गाड़ी, इस गाड़ी में एक आवाज नहीं इंजन की उसकी किसी चीज की, और ये झन्नाटा आ रहा स्टीयरिंग में। फिर मैं मगा यार मैंने कंपनी में दी सर्विस करवाई, मुझे भाई क्या दिक्कत होना टेस्ट वगैरह करी, जब बताया उन्होंने भाई पूरा स्टीयरिंग रैक चेंज होगा, अभी 1 लाख रुपए का पार्ट आता है, वारंटी वगैरह में ना थोड़ा फोटो 2 दिन गाड़ी की फोटो खींचेगी, अप्रूवल होएगा फिर गाड़ी ले जाओ, फिर उसके बाद जब डलेगा उसके बाद फोटो वगैरह क्लिक होगी, पूरा मॉड्यूल चेंज होता है, फोटो लगा देना मैं दिखा दूंगा आपको। फिर मैंने साथ के साथ ही भाई अपने अपर आर्म के सारे बुश डलवा दिए, कटना रहा था भाई थोड़ा, मगा होगी गाड़ी की अब तक चेंज ना हो, मैंने डलवा दिए सारे, तो ये चीज करवाई थी। अब फील कैसी है? ओके रिपोर्ट नहीं होगी, एक आवाज और बच रही है भाई, सब भाई तो बता दूं, इसमें एक पीछे लिंक रोड होती है, अच्छा एक इंडिया की होती है एक थाईलैंड की होती है, तो इंडिया वाले लिंक रोड में बताऊं क्या है, उसमें ना दिक्कत आने लग जाती है, हल्की क्वालिटी की है वो आती है 8-9 हजार रुपए की, थाईलैंड वाली आती है 18,000 रुपए की, तो वो और चेंज करवाने, वो भी फोर्ड में अवेलेबल नहीं है,
वो जिस दिन भी आ जाएगी मैंने आरसी भेज रखी, जिस दिन आगे उस दिन ही लग जाएगी। तो ये अपनी फोर्ड में ही जा रही है सर्विस होने भाई या कहीं बाहर जा रही है? फोर्ड में ही हो रही है सर्विस अपने। तो मतलब ये फोर्ड के सर्विस सेंटर कुछ कम हुए हैं पहले जितने ही है? मतलब भाई, भाई उतने के उतने सर्विस सेंटर है। और आज के टाइम में ना अब मैं कह रहा हूँ पार्ट एक हफ्ते के अंदर पार्ट आ जाता है फोर्ड के। मैंने कप होल्डर चेंज करवाया था, ये मैं पिछली बार दिखाए हो गए, ये भाई ने चेंज करवाया, ये खराब था, ये देख लो जब आपने ली थी तभी खराब था। भाई खराब नहीं, बड़ी था तो सही। अब वो मैंने जैसे अंदर बंद करते टाइम ना आराम से करना पड़ता, वो मैंने तेज मार दिया और वो अंदर के अंदर गया टूट। अच्छा, अब टूटता है ना तो चेंज नहीं होता वारंटी में अपने, चलो जानकार उसने करवा दिया वारंटी में चेंज। और एक भाई इसके ना सनरूफ में आवाज आ रही है थोड़ी सी ना खुलते पे ना, खुलते टाइम तो वैसे नहीं है ना यार ऊपर की ये रबड़ वगैरह में जब धसकी में जाते ना तो ऐसे बजती हो जैसे रबड़ वगैरह नीचे होती हो, ये आवाज आ रही थी। ये तो खैर कर दी कंपनी वारंटी में अपनी। ओके भाई ये बताओ मेरे को वारंटी कितने साल की है इसकी? कुछ यूनिक चीज बताई थी आपने वारंटी की, जो फॉर्च्यूनर में नहीं है। जाती है 8 साल तक। 8 साल तक फॉर्च्यूनर ओरिजिनल की नहीं बढ़ती अपनी? 5 साल बढ़ती है मैक्सिमम भाई। ग्लोस्टर की? ग्लोस्टर का इतना बेर ना चाइनीज कंपनी है भाई, हमने तो गाड़ी बढ़िया ना भाई जिसका पता है उसका बताएंगे हम तो। फॉर्च्यूनर भाई ने रख रखी है, फॉर्च्यूनर थी भाई चला के अपनी फिर एंडेवर लाए भाई। भाई फॉर्च्यूनर इसलिए बेक की थी, एक तो बहुत ज्यादा आवाज थी उस गाड़ी में और दूसरी भाई सर्विस उसकी सस्ती थी। क्यों झूठ बोलूं, इसकी है ना करते करते भी 40,000 की सर्विस होती है। अच्छा जी, 35,000 की सर्विस होती है, 38,000 की। ये कंपनी जाने के बाद है वैसे जानने होती भाई सर्विस फिर, लेकिन सर्विस में है मजा, सेटिस्फाइंग है भाई। भाई बिल्कुल है, मैं कह रहा हूँ फोन आते हैं अभी फीडबैक के लिए। मैंने एक बार कह दिया मेरी गाड़ी अच्छे से नहीं धुई, अगले दिन घर आ जाएंगे सर गाड़ी दे अपने हम वॉश करके लाएंगे। ये तो बढ़िया चीज है भाई, ये चीज है फोर्ड वालों की। कंपनी जाने के बाद है ये, मैं कह रहा हूँ फीडबैक कौन मांगता है जिसकी कंपनी नहीं है यहाँ पे भाई ना आ रही अपनी करो बाहर करवा ले। हमारी तो कंपनी है वाली बात है, फोन मैं वहां जाता हूँ लंच टाइम में लंच करवाएंगे, कॉफी पानी सब कुछ कुछ भी। आप किसी कंपनी में जाओगे ना अंदर सर्विस के एरिया में नहीं घूम सकते भाई, इसमें घूमो। मैं पूरे वर्कशॉप से लेकर सर्विस सेंटर तक गाड़ी के नीचे में भाई मेरी गाड़ी में ये काम और सारी चीज तक वहाँ जाता हूँ मैं, कोई नहीं बोलता कुछ भी। बढ़िया भाई, वो फ्रेंड ही रहना चाहिए कुछ भाई, कोऑपरेट करो, देखेगा आदमी अपना क्या इंजन ऑयल तुम सही में बदल रहे हो नहीं बदल रहे। चोर बाजारी भी आजकल काफी हो रही है वहाँ भाई, जो झूठ बोलू आज के टाइम में फोर्ड में इतनी चोरी हो रही है, फोर्ड में इतनी चोरी हो रही है जो कहीं ना हो रही है। फोर्ड में हर एक बंदा रुपए कमाता है, आपको इतना पार्ट चाहिए ना वो इतना पार्ट भी मिल जाएगा आपको। लो भाई सारी चीज है भाई, लेकिन 1,000 का है 200 रुपए मिल जाएगा इसमें। ये बुश होते हैं ये। अच्छा भाई, अगर ये हटेगा ना तो खड़खड़ होगा। कितना का होगा ये? 2 रबड़ के पार्ट है इतने से भाई, ये होगा अपना चलो 500 लगा लू मोटा मोटा, 400-500 का। 800 रुपए का है भाई एक, दोनों ले भाई 800 रुपया का ये देख ले। इतना सा है, अब तू इससे हिसाब लगा ले भाई कितना की सर्विस होती होगी। पार्ट्स तो भाई है महंगे। खैर भाई लाइट वाइट तो फिर भी थोड़ी सी ठीक बता रहे, लेकिन पार्ट्स भाई है महंगे गाड़ी के। भाई पार्ट महंगे हैं बिल्कुल है। आपने फिर इसकी वारंटी एक्सटेंड करवा रखी है? भाई करवा, कोई भाई 8 साल तक करवाऊंगा भाई वारंटी एक्सटेंड। लो अपनी चलानी, क्योंकि 8 साल अपनी चलानी है, अपनी वारंटी में रहे गाड़ी, कल कोई दिक्कत आ जाए तो मैं इसने एक्सपायर होने के बाद भी चलाऊं जब तक चलेगी ना, जब तक चलानी उस टाइम तक, जब चलाएगा कहीं और भेज देंगे दूसरी गाड़ी ले लूंगा बेसिक पर इसे ना रखू। भाई गाड़ी बहुत प्यारी है झूठ ना बोलू, इसे ना चलाने में अलग ही मजा है, म्यूजिक सिस्टम तले घूम फिर का लिए मैं घूम फिर के भाई कोई दिक्कत नहीं आती कहीं भी बर्फ में। मैंने घर मेरी गाड़ी में 35-35-37 हवा थी उस टाइम भी, बर्फ इतनी इतनी बर्फ में मेरी गाड़ी ऐसे जा रही थी ऐसे स्मूथ अपने स्मूथली। फिर 4i4 लो लगाया कुछ? कुछ नहीं, नॉर्मल मोड में सीधी फोर व्हील ड्राइव तो है ये, और ऑल व्हील ड्राइव है जान दे भाई। इसमें और क्या क्या अंदर क्या क्या करवाया आपने अभी तक? मतलब 20,000 चला दी अंदर तो। खैर ये भाई ने ये लिखवाया शायद, और एक मैं टर्बो देख रहा हूँ वो लिखवा दिया। ये भाई ये बताऊं क्या, वो DIY नहीं है मिस्टर DIY, हाँ उसमें गया था भाई ये टर्बो का, एक इसके लिए लेके आया था, एक स्पोर्ट का लेके आया था दूसरे वाले के लिए। बढ़िया लग रहा है टर्बो तो, कहाँ चिपकाऊं कहाँ चिपकाऊं बार बूर कहीं समझ नहीं है, मगर भीतर ही चिपका दे। बढ़िया लग रहा है भाई, कुछ भी कहो बढ़िया लग रहा है। बाकी भाई ड्राइव वगैरह हमको वैसी ही गाड़ी है आज भी चल रही है, आज भी 60,000 किलोमीटर अपनी चल चुकी है। किलोमीटर में देखता ही नहीं हूँ भाई, ना किलोमीटर देखो भाई देना तेल देखो, क्यों झूठ बोलो। एक बात बताओ माइलेज में कुछ अंतर आए गाड़ी में या कुछ आपने देखा? भाई देखो मैं क्यों झूठ बोलूं, वैसे भी दिखा कितने की रही है भाई, माइलेज मैंने देखी नहीं अब तक। मतलब हाईवे पे देख ले माइलेज पर वैसे ना भाई, पर इस अलॉय व्हील में 10 की माइलेज दी थी, मैं फरुख नगर गया तो दिल्ली गया था 11 की माइलेज दी थी इन अलॉय व्हील में दिल्ली में ट्रैफिक में। हाँ अभी की दिखा रही है आपको,
भाई, देखो मैंने ट्रिप जीरो करी थी, अभी तेल डलवाया था, ये 1.6 की दिखा रही इसमें तो, ये देखो 5.4 की एवरेज, 5.4 की एवरेज सिटी में, लोकल में अपने भाई इतना की। भाई देखो मैंने ना नू कई बंदा कहा है ना कि भाई हम तो नू कर ला कि अब खत्म होगी, इतना दिन तक चलेगी, इतना दिन, भाई बिल्कुल ही अंदाजा ना रहा है नू है कि गाड़ी चल रही है जब रिजर्व में लग जाएगी 80 किलोमीटर के, उसमें रिजर्व में लगती है ये, जब डलवा दिया तो भाई मनाली गया था ना कंपनी के लोई व्हील में 13 की माइलेज दी थी इसने, हाईवे पे या ऊपर पहाड़ों पे, हाईवे पे पहाड़ों पे 12 की 11 12 11 12 एक जगह जहाँ फोर व्हीलर लगाया था ना, जगह गाड़ी थोड़ी सटक गई थी वहाँ एक की माइलेज, तो फुल सेटिस्फाई अब सेकंड हैंड लेके भी भाई, भाई सेकंड हैंड नहीं, मेरे लिए तो नहीं है बिल्कुल, ये अलॉय व्हील वाली फील आ नहीं थी भाई गाड़ी में, पता ही ना चले इसमें, बस थोड़ा आदमी और ऊंचा बैठने लग रहा है ये, इससे तो पता चल जाए। 24 इंच डलवाया था ना वहाँ पे मैंने, 24 इंच चलाया आपने इसमें भाई, चलाया के डलवाया देखा ना, मैं पता नहीं लग रहा था गाड़ी में लोई व्हील लग रहा है। अच्छा जी, इससे भी अड़का लोई व्हील था भाई, वे वो नू कह रहे भाई फॉर्च्यूनर आई थी डलने, वो उसमें मुड़ते टाइम कटने लग गए थे। सस्पेंशन का तो देखो भाई मोटा मोटा फर्क आता है थोड़ा बहुत, जो कहे ना कंपनी अलॉयज क्या आएगा, जैसे धचकी है ना हाँ। तो थोड़ी ज्यादा फील होने लग जाएगी हाँ, बस ये है। अब कंपनी वाले टायर में चलाऊंगा ना तो बिल्कुल है ही नहीं, है ही नहीं भाई उसमें तो है ही नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं फोर्ड के सस्पेंशन इन मामलों में, और टॉर्क ये देखो भाई गाड़ी उठने में अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, अपना ही फ्रंट में काम करवा रखे भाई, लुक कुछ भी इसका हो गाड़ी जो बन गई है ना, लाल कैलिपर भी करवा दिए, सारा अपना सारा काम बिल्कुल चेंज है, पुरानी वीडियो देख लेना मेरी डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगी। कई देखा होगा कि भाई ये पेंट ये छूट रहा है, ऐसी क्वालिटी करवा दे भाई, आपको सही बताऊं ना गाड़ी में कदी है ना नू काम ना करवाए कि वो दुकान इस पे काम करवा ले, डिटेलिंग माफिया पे गया था मानेसर वाले पे, उनने करा था पेंट, मेरे तो नू कही थी भाई डी क्रोम करके पेंट करूंगा उतरेगा नहीं, आज वो बंदो फोन ना ठावे, मैंने कोई 10 बार पेंट करवा दिया ग्रिल दोबारा, डिटेल मान डिटेलिंग माफिया करो तुम्हारा भाई। एक अपना भाई है अपना गांव का ही भाई, उसने शॉप खोली है बादशाहपुर की तरफ, वो करेगा पेंट इस पर, जब दिखा दो पेंट कैसे उतर जाओगा भाई। ये तो देखो बात अब फिनिशिंग है, डिटेलिंग माफिया हो चाहे कोई भी भाई, फिनिशिंग नहीं दोगे तो कामयाब नहीं है चीज, फिनिशिंग इस चीज की देख भाई, पेंट गद्दी मैच, पेंट तो सही मैच हो रहा है भाई, कुछ भी कहो बिल्कुल 0-0 है मैचिंग का ऊपर। तो भाई आप अपना अभी 0 डेप चल रही है ये, क्या इंश्योरेंस खर्चा क्या आ रहा है अपनी गाड़ी का भाई? मैंने अभी करवाया था, जैसे ओनर चेंज करवाया था, 3-4 महीने का इंश्योरेंस बच रहा था पुराना वाला भी, तो मैंने कि यार हमको घूमने जाना था मनाली में, यार गाड़ी कहीं लग लुक ना जावे, इंश्योरेंस सही बात है पहाड़ों पे तो थोड़ा सा ऐसे नंबर वगैरह भी ये आ गए थे इसके, तो भाई इंस्टेंट जब चेंज करवाए ना इंश्योरेंस, तो 1,10,000 रुपए का मैंने सारा करवा दिया, पानी में जाए गाड़ी, एक्सीडेंट हो, टोटल लॉस हो, या रबड़ के पार्ट मान लो कल को बम्पर टूट जाए मेरा, इनमें होता है कि नक्के वगैरह के पैसे देने पड़ते हैं, मैंने सब कुछ कवर करवा दिया, मगर 1 रुपए नहीं दूंगा, बस फाइल सब में कवर होएगा इंश्योरेंस में, कवर है। क्या कहोगे भाई, रिकमेंड करोगे सेकंड हैंड एंडेवर लेना भाई? सेकंड हैंड बिल्कुल लो, क्योंकि ये देख के लो, भाई भी कह रहे हैं देखो कई नू कह रहा ना भाई फोर्ड ने ऑफिशियली नहीं डाली, मैंने फोर्ड वाले तो जब भी पूछी थी भाई कब आ रही है गाड़ी, उन्होंने कही नु भाई सेप्टेम्बर अक्टूबर तक की कह रहे हैं आने की, नई वाली एंडेवर, नई वाली कह रहे 60 पीस आएंगे बस, सीबीयू यूनिट वो बिगी सही चली, अभी मीटिंग थी मैं परसों पर लेने गया था ना, जीएम वगैरह की सबकी देहरादून में मीटिंग हो रखी है फोर्ड वालों की, तो नई वाली एंडेवर का क्या कहोगे? नई वाली एंडेवर आ सकती है भाई, देखो आज जाए तो बहुत बढ़िया है, बाकी आपका मतलब कुछ अंदर की खबर है एंडेवर फोर्ड की भाई? बता रहे हैं वो तो की आएगी अंदर की, बिल्कुल मैं सही बताऊं ना भाई, मैंने तो बहुत मजा आवे कि भाई आज जावे, कह रहे हैं कि आएगी, फिर भाई बदल दो क्या लिए भाई? देखो इसे ना तो बदलो ना दूसरी वाली वाले एक और नहीं लिया, वो क्या दिक्कत है। तो भाई ये थी कुछ आज की वीडियो, भाई ने सेकंड हैंड लेके अच्छी खासी चला दी, और बता भी दिया भाई एंडेवर लेके क्या कुछ कमी भी आ सकती है, और चेंज करवानी चाहिए नहीं करवानी चाहिए, या बनवाओ अपना टेस्ट के मुकाबले वैसे बनवाओ गाड़ी को, जैसे इसको 24 लगवाने 26 लगवाने हैं। देखो सब तो ये कहते हैं कि भाई गाड़ी में अलॉय व्हील और काले शीशे करवा लो लुक आ जाती है, भाई मैंने अलॉय व्हील डलवा रखा है, मेरा कंपनी वाला अलॉय व्हील भी होता है ना, जब भी गाड़ी की रिव्यू करता हूं कहता भाई गाड़ी लग रही है, भाई गाड़ी लग रही है ना, तो ज्यादा अटरम शटरम लगवा रखा ना, ज्यादा वो बन रही है ना, यूएबी लगवा दिया, वेबी लगवा दिया, टेस्ट वाइज अपने ओके रिपोर्ट है गाड़ी अपने अलॉय के साथ बिल्कुल मैच हो रही है। तो भाई ये थी अपनी कुछ वीडियो आज की एंडेवर की, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो भाई इसे लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, कमेंट सेक्शन में बता देना भाई किसके एंडेवर में क्या दिक्कत आ रही है, और कौन प्लान कर रहा है भाई, से सारी चीजें कवर करवा दूंगा मैं कमेंट में, जो भी कुछ होगी कमी वमी पूछ लेना अपने कमेंट सेक्शन में, पूरा सहयोग करूंगा, सारी चीज बताऊंगा गाड़ी मैंने ए टू जेड चीज बताई इसके अंदर कमेंट में बता देंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं भाई, किसी चीज को कोई पूछ नहीं हो, कमेंट रिप्लाई कर दूंगा भाई आपका। चलो भाई ये चलो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।